अंडे को इस तरह बनाकर हम लोग इसका सालन तैयार कर सकते हैं। ये देखिए हमने इस तरीके से अंडा को बना लिया, फिर हमने इसका शोरबा अलग से तैयार किया, फिर इसमें हम लोग डाल रहे हैं। देखिए आप लोग भी इस तरह बना सकते हैं, बिल्कुल नया टेस्ट था इसका, बनकर हमारा इस तरह तैयार हुआ था। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखिए 3 टमाटर लिया है, हरी मिर्चा 3 से 4 पीस है, ये लहसुन के जवे होंगे 6-7 पीस है हमारा, और ये हमारा टमाटर था, इसको हमने इस तरीके से काट लिया है। धनिया पाउडर, नमक, ये देगी मिर्च है, और ये इस तरीके से हमने 2 चम्मच इसमें दही डाला है। आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम लोग इसमें सौंफ, जीरा और ये कलौंजी थी तो हम लोग मिला के रखे रहते हैं, तेल में डालकर इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए फिर हम ये मसाला डाल देंगे। फिर थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी डालकर हाई फ्लेम पर इसे हम लोग 5 मिनट तक भून लेंगे। पाँच मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे भूनना ज़रूरी है, हमारा ये मसाला बिल्कुल कच्चा था। अब देखिए इसको हमने लो फ्लेम कर दिया, अब इसे 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, हमारा ये मसाला पककर तैयार हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, हमारा ये मसाला तैयार हो गया है, अब इसे 5 मिनट हमें और भूनना है। ये देखिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखें, उसी पर हमें भूनेंगे इस मसाले को। ये हमारा प्याज तला हुआ था जिसको हमने क्रश करके रखा है, ये प्याज तला हुआ क्रश किया हुआ बाज़ार में भी मिलता है, आप लोग चाहें तो ला सकते हैं। बहुत जल्दी में हमारा ये सालन बनकर तैयार हो जाता है अगर प्याज हमारा पहले से फ्राई किया हुआ और क्रश करके रखा हुआ है। हमने 2 से 3 चम्मच होगा इतना हमने इसमें डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ा सा हमें इसे और भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे, 5 मिनट तक ज़रूर भूने, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और इसको भूनते रहेंगे। जब भी हमारा जो टेस्ट है मसाले का वो बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करेंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसमें आपको हमेशा नई वीडियो देखने को मिलेगी, बिल्कुल नई रेसिपी होती है हमारी। ये देखिए हमारा 5 मिनट हो गया है, हमने इसको भून लिया है, अब इसमें हम लोग गर्म पानी डालेंगे। हमें शोरबा थोड़ा सा पतला रखना है इसलिए हमें चावल के साथ खाना है, अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो इसमें पानी कम डालेंगे। ये गरम पानी हमने डालकर इसको मिक्स कर दिया, नमक टेस्ट कर लें, अगर कम है तो डाल देंगे। एक उबाल आ जाए फिर इसे हम 5 मिनट तक पकाएंगे। इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट पकेगा ये, फिर हमारा ये शोरबा तैयार हो जाएगा। ये देखिए एक उबाल आ जाए जब इसे हम लोग ढाकेंगे। एक उबाल आ गया है, अभी से फ्लेम हमारा लो है, अब बस हम ढककर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। अब हम लोग अंडे को तैयार करेंगे, ये इस तरीके का। प्याला था हमारे पास प्लास्टिक का, तो इसको हमने इस तरीके से काट लिया। अब इसको गोल करने के लिए, अगर ऐसे अंडा डालेंगे तो वो फैल जाएगा, हम लोग गोल करने के लिए इस तरीके से डाल देंगे, इसको पलटेंगे नहीं। आप चाहें तो थोड़ा सा तेल डाल सकते हैं। एक हमारा बनकर इस तरह तैयार हुआ है, देखिए इसी तरीके से एक एक करके सबको हम लोग तैयार कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल गोल है ये, नहीं तो ये हमारा फैला फैला बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से इसको पीछे नीचे से प्याले को कटिंग कर ली। प्लास्टिक का है ये, बहुत आराम से कट गया था।
अब ये हमारा 5 मिनट हो चुका है, ये हमारा बिल्कुल शोरबा बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हरा धनिया कटा हुआ हम लोगों ने डाल दिया। इसको इस तरीके से मिक्स कर ले। अब इसमें जो हमने अंडा तैयार किया है, अब एक एक करके इसको हम लोग डाल देंगे। ये देखिए इसी तरीके से डाल देंगे, ये सब हमारा एक करके डल जाएगा इसमें। बस अब हमें इसे पकाना नहीं है। ऑलरेडी पहले से हमारा पका हुआ है, ये देखिए ये बनकर तैयार हो गया। बस थोड़ा सा एक उबाल आएगा और हमारा ये तैयार हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए